सागर भविष्य पर्यावरण दिवस के लिए कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने सेक्टर 7 में तालाब व आसपास के क्षेत्रों तथा महाविद्यालय परिसर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी के निर्देशानुसार 30 मई से 5 जून 2022 तक पुलिस सागर व विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने सेक्टर 7 में तालाब व आसपास के क्षेत्रों तथा महाविद्यालय परिसर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। कैडेट रुद्र कुमार व कैडेट अमित कुमार यादव ने लोगों को इकट्ठा कर पुनिस सागर योजना की जानकारियां दी, जिसमें हमें नदी में होने वाले प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं इस बारे में बताया गया, साथ ही पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है इसकी भी जानकारियां देकर और लोगों से अपील भी की गई कि हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें और यदि उपयोग करते भी हैं तो उसे सही तरीके से नगर निगम के कूड़ेदान में ही डालें, जिससे उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाया जा सके। कैडेटों ने प्लास्टिक के उपयोग से कैसे जल, मिट्टी व पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इसकी भी जानकारियां लोगों को दी। कैडेटों ने तालाब परिसर, महाविद्यालय परिसर व सड़क पर बिखरे हुए 5 बैग प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकल हेतु नगर निगम के डस्टबिन में डाला। इस जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से कैडेट सौरभ सिंह, किशोर कुमार, जागेंद्र, रुद्रकांत, गीतांशु, मिलिंद गुरुंग सहित बड़ी संख्या में 27 कैडेटों ने सक्रिय योगदान दिया। समस्त कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट हरीश कुमार कश्यप द्वारा संचालित किया गया। बटालियन के सूबेदार मेजर भूपति थापा द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन यहाँ पर दिए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।